اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره نمبر 2 سوره البقره ركو نمبر 8 ايت نمبر 62 تو 71 بسم الله الرحمن الرحيم ايت نمبر 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر बेशक वो लोग जो सब ईमान लाए या बेशक ईमान वाले और वो लोग जो वो सब यहूदी हुए और नसरानी हुए यहूदी ज्यूज और नसरानी यानी क्रिश्चियंस वह सबी ईना और सोबी यानी सितारा स्टार वर्शिपर्स जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं और वो लोग जो यहूदी हैं और जो जो क्रिश्चियन है ईसाई है नसरानी है और जो सितारा परस्त हैं इनमें से जो भी ईमान ले आएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अमल करेगा नेक तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और ना खौफ होगा उन पर और ना ही वो सब गमगीन होंगे हुजन उठाएंगे खौफ हमेशा इंसान को किस चीज का होता है फ्यूचर का होता है और गम किस चीज का होता है पास्ट का होता है यानी कि जो गुजरा हुआ वक्त वा है उसका गम होता है और आने वाले का खौफ होता है तो अल्लाह सुभान व ने फरमा दिया ऐसे लोगों का जो आमनू आ amel ईमान ईमान और नेकमल करें उन पर ना खौफ है ना गम है 63 और जब अखस किया हमने और जब लिया हमने तुमसे मीसा कुक्ता वादा मीसा कहा जाता है ऐसा वादा जिसमें कसम उठवाई जाए यानी के जो पक्का हुआ दा हो तुमसे पक्का वादा और बुलंद किया हमने यानी उठा लिया हमने तुम्हारे ऊपर अतूर तूर पहाड़ को और हुक्म क्या दिया और तुम सब थाम लो और तुम सब पकड़ लो जो अता किया है हमने तुमको कुवत के साथ मजबूती के साथ यानी तौरात जो हमने अता की है जो अता किए हमने तुमको कुवत के साथ मजबूत मजबूती के साथ और तुम सब याद करो जो उसमें है ताकि तुम सब तुम सब परहेजगार हो जाओ तकवे वाले हो जाओ आई एच सिक्सटी फोर फिर तुम सब पलट गए उसके बाद से यानी उस वाक्य के तूर के उठाने वाले वाक्य के बाद भी तुम पलट गए अपनी बात से फिर अगर नहीं होता फिर अगर नहीं होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत वो जो है अल्लाह की तरफ जा रहा है उसकी यानी अल्लाह की रहमत ल अलबत्ता ये लाम जो है लाम ताकीदेटिक लाम है ल ला का मतलब होता है बेशक अलबत्ता बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है अलबत् तुम हो जाते खसारा पाने वालों में से खासिर जो है फाइल पैटर्न पर खासिर यानि, फाइल काम करने वाला खासिर यानि, खसारा पाने वाला यानी नुकसान उठाने वाला गीना लगने से प्लूरल हो गया तुम सब खसारा पाने वालों में से हो जाते आयत नंबर सिक्सटी फाइव और अलबत्ता तहकीक ये भी ताकीद के लिए आता है एम्फेसिस के लिए दोनों हैं बात में जोर पैदा करने के लकद और अलबी या फिर हम कहें और और इंडीड बेशक वेरी और बेशक जान जानते थे तुम उन लोगों को जो सब हद से बड़े तुम में से सैटरडे के बारे में सप्त के बारे में हफ्ते के दिन के बारे में फिर कहा हमने उनके लिए तुम सब हो जाओ जलीलो खौर बंदर यानी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सैटरडे को सिर्फ इबादत करनी है तो ये दुनियादारी में लग गए थे दुनिया कमाने में तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया उनकी नाफरमाने की वजह से उन्हें बंदर बना दिया गया आयत नंबर 66 फिर बना दिया हमने उसको यानी उस वाक्य को नकालन इबरत उन लोगों के लिए जो देखे बीना मतलब दरमियान यदई का मतलब दो हाथ दो हाथों के दरमियान मतलब अभी इसको दो हाथों के दरमियान के, के जो होता है हमारा कौन सा हिस्सा होता है सामने होता है तो हम बैना यदई कहेंगे सामने बिफोर ठीक है इसका तर्जुमा एक साथ ही होता है कभी भी दो टुकड़ों में इसका तर्जुमा नहीं होता बैना यदई का मतलब है साथ सामने फिर बना दिया हमने उसको उस वाक्य को इबरत उन लोगों के लिए जो ली लिए उसके लिए जो उसके सामने थे उस वाक्य के सामने उस वाक्य को विटनेस कर रहे थे उनके लिए इबरत बन गई और जो उसके पीछे थे यानी बाद में आने वाले हैं उनके लिए नसीहत और उनके लिए भी और नसीहत बना दी इनको मुत्तकियों के लिए आगे पीछे वालों के लिए आगे सामने और पीछे वालों के लिए खल्फा मतलब पीछे पीछे वालों के लिए इबरत बना दी और मुत्तकियों के लिए उस चीज को नसीहत बना दिया ताकि ईमान मुत्तकी लोग नसीहत हासिल कर सकें 67 और जब कहा मूसा ने उसकी कौम के लिए या अपनी कौम से बेशक अल्लाह वो हुक्म देता है तुमको के तुम सब जबाह करो जबह का मतलब होता है कुर्बानी करना ठीक है जबाह का मतलब होता है कत्ल करना गारदारिरी करना यानी पूरी तरह से स्लॉटरिंग करना या फिर सीधा जबाह यानी कुर्बानी करो तुम सब कुर्बानी करो तुम सब जबाह करो एक गाय को उन सब ने कहा क्या तुम अखज करते हो या, या यूं कहेंगे क्या तुम करते हो हमसे मजाक यानी ठट्टा कहा मूसा ने मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की के मैं हो जाऊं जाहिलों में से आयत 68 उन सब ने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से आपके रब से वो बयान कर दे हमारे लिए क्या है वो कैसी है वो माँ यानी क्या हिया यानी वो मतलब वो गाय कैसी है ये जो हिया की जमीर है बकरा यानी की तरफ आ रही है ठीक है और ये ये जो बकरा नाम है सूर्य का नाम जो है इसी वाके के वजह से दिया गया है इसको इस सूर्य को ये नाम निशानी के तौर पर कहा उन सब ने कहा कि दुआ करो हमारे लिए अपने रब से के वो वाजे कर दे वो बयान कर दे हमारे लिए क्या है वो यानी वो गाय कैसी है कहा मूसा ने बेशक वो वो यानी अल्लाह वो कहता है बेशक वो गाय ये जो हा की जमीर है गाय की तरफ जा रही है और ये जो हु की जमीर है वो अल्लाह के लिए है ठीक है बेशक अल्लाह बेशक वो कह वो कहता है बेशक वो गाय ना ही बूढ़ी हो फारिद ना, ना ही बूढ़ी हो और ना ही बच्चा हो यानी बिल्कुल छोटी ना हो बिल्कुल बूढ़ी भी ना हो आवान जवान हो बिना जालिक उनके दरमियान उन उन दोनों उम्रों के दरमियान फिर तुम सब कर गुजरो तुम सब कर दो जो तुम सबको हुक्म दिया गया है ये पैसिव है का सीगा है, तो मरून मैं हुक्म दिया गया है उन सब ने कहा आयत नंबर सिक्सटी नाइन उन सब ने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से वो बयान कर दे वो वाजे कर दे हमारे लिए क्या हो उसका रंग उस गाय का रंग क्या होना चाहिए कहा मूसा ने बेशक वो यानी अल्लाह वो कहता है कि बेशक वो गाय जर्द रंग की हो पीले रंग की हो येलो कलर की हो फून चमकदार हो चमकीली हो मतलब ब्राइट ब्राइट येलो ठीक है चमकीला पीला रंग जर्द रंग उसका रंग हो चमकीला रंग हो उसका मसरूर कर दे मसरत बख्शे यानी खुश कर दे, देखने वाले को नाजिर जो है फाइल पैटर्न पर आए ना फाइल यानी करने वाला काम करने वाला नाजिर देखने वाला नजारा से बनाए और ईना लगने से प्लूरल हो गया देखने वालों को खुश कर दे उसका जर्द पीला रंग जो है देखने वालों को भा जाए आयत नंबर सेवनटी उन सब ने कहा कौलू उन सब ने कहा दुआ करो हमारे लिए पुकारो हमारे लिए अपने रब को के वो बयान कर दे हमारे लिए क्या है वो बेशक गाय मुश्तबा हो गई है हम पर यानी डाउटफुल हो गया उसका डिस्क्रिप्शन जो है इनकम्प्लीट सा लगता है हमें पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दो बेशक गाय क्या हो गई है मुश्तबा हो गई है डाउटफुल हो गई है इश्तबा में डाल दिया है हमको या मुश्तबा हो गई है हम पर और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अगर चाहे अल्लाह अल्बत्ता हम हिदायत पालेंगे यानी हम उसको उस गाय को ढूंढ लेंगे देन वी विल बी गाइडेड आयत 71 कहा मूसा अलैहि सलाम ने बेशक वो यानी अल्लाह वो कहता है बेशक वो गाय ना ही सधी हुई हो ट्रेन की हुई हो तुसीरुल अर्दा की जमीन को जोती हो प्लो है ना जमीन को जोतना तो ना जमीन को जोती हो और ना ही सीन गफ, या सका का मतलब होता है पानी देना, पानी देना ठीक है और ना ही पानी देती हो खेती को ना जोती हो जमीन को और ना पानी देती हो खेती को मुसलमत सही सलामत हो ना धब्बा हो उस पर उसमें उसमें किसी भी किस्म का उसकी बॉडी पर धब्बा ना हो बिल्कुल सही सलामत हो उन सब ने कहा अल आन अब आप आए हक पर आपने अब ठीक ठीक अब डिस्क्रिप्शन दिया फिर जबा किया उसको उन सबने जबा किया उसको और नहीं करीब था कि वो सब ये करते यानी वो ये काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे इसीलिए इतने बहाने बना रहे थे और जब कत्ल किया तुमने एक रुकू यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया आयत नंबर सेवेंटी वन पर और ये उसी से रिलेटेड है तो हम यहाँ कर लेते हैं और जब कतल किया तुमने एक जान को फिर तुम सब झगड़ रहे थे दारा मतलब झगड़ रहे थे बैसो मुबाइजा कर रहे थे उसमें उस, उस वाक्य के बारे में और अल्लाह को निकालने वाला था खौराजा मतलब निकालना यानी वाला निकालने वाला था जो तुम थे तुम सब छुपा रहे थे कतमा छुपा रहे थे सेवेंटी थ्री फिर कहा हमने मारो उसे उसके बाद हिस्से से मारो उस लाश को हु यानी वो लाश और हा यानी वो बकरा यानी वो गाय का हिस्सा फिर कहा हमने मारो उस लाश को उस गाय के कुछ हिस्से से बाज हिस्से से इसी तरह जिंदगी बख्शता है हयात देता है अल्लाह मुर्दों को और वो दिखाएगा तुमको वो दिखाता है तुमको उसकी आयतें ताकि तुम सब तुम सब अकल का इस्तेमाल करो ताकि तुम अकल वाले हो जाओ जजाकल्लाउ खैरन का इसका जो डिस्क्रिप्शन है इनशाला आप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लें तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी आए तो जजाकुल्लु खैरन का